यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने, ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है एक पवित्र कार्य है, ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वोट टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है, वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं, इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है।